नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो आज देख सकते हो आप, हम आयसर 551 फाइव स्टार का टॉप मॉडल जो है इनका, इसका आज रिव्यू करेंगे कंप्लीट डिटेल में। और मैंने आयसर 551 जो इससे नीचे वाला वेरिएंट आता है उसकी मैंने वीडियो आपको अब से पहले डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, वो भी आप जा कर के देख सकते हो। ये टॉप मॉडल में आता है फाइव स्टार, आप देख सकते हो बैजिंग। आज हम इसकी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों में। और चलिए, ज़्यादा अब लाइक वाइक के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप प्लीज़ लाइक के लिए ज़्यादा ना बोला करें, पकाते हो आप, ये है वो है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलो, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो वीडियो देखना आप प्लीज़ कंटिन्यू। तो जैसे हम टायरों से शुरुआत कर लेते, तो आगे इसके टायर 750-16 के हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर डिटेल में। और पीछे 1428 के टायर मिल जाते हैं इसके, MRF के टायर है इसमें। आप इसमें 1628 के डलवा सकते हो, नहीं तो ले सकते हो पीछे के टायर। बाकी आप अगर इन पर चलाओगे तो कंपनी जिस चीज़ पर टेस्ट करके देती है आप उसी पर चलाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर हम सीधे एक्सल की बात कर लेते हैं बाकी से, इसका हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल नहीं होता, इसका एक्सल फिक्स्ड है बिल्कुल, लेकिन ये हैवी ड्यूटी में आ जाता है। और आगे हम अगर इसके बम्फर की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 60-70-80 किलो के लगभग का हैवी ड्यूटी बुलगार्ड मिल जाता है, जो कि आपको अलग से लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही शानदार बम्फर है। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं पावर स्टीयरिंग की, तो इसमें सिंग डुअल एक्टिंग रोड पावर स्टीयरिंग मिल जाते हैं, जो कि बैलेंस्ड पावर स्टीयरिंग के नाम से मशहूर है और ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में सबसे बेहतरीन पावर स्टीयरिंग इस्तेमाल होता है ये वाला। इसका बेनिफिट ये होता है, किसान अपने ट्रैक्टर में 5-10 साल बाद कभी कोई ग्रोली कट जाए, कुछ भी चीज़ कट जाती है, तो आप छोटे छोटा पार्ट्स बदलवा सकते हैं, पूरा पावर स्टीयरिंग कभी भी बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं इंजन की, तो इसमें आयसर इंजन जो इस्तेमाल करता है वो T3A 320D49 इंजन का इस्तेमाल करता है। आयसर का खुद का अपना इंजन है ये, जो कि 3300 cc का इंजन है, और इसके 2150 लीटर RPM आ जाते हैं इंजन के कंपनी फीड, जो कि 49 horsepower मिलेगा आपको पेपर पे, लेकिन इसकी एक्चुअल जो हॉर्स पावर होगी वो लगभग 50 से भी अबव निकाल देता है। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी देख सकते हो इधर इसके पंप है, एक हाइड्रोलिक पंप है, एक पावर स्टीयरिंग पंप है। इन पंप में देख सकते हो यहाँ फिल्टर भी मिल जाता है, ये लिंक दिखा रखा हुआ है, ठीक है ना। और इसके यहाँ सेल्फ स्टार्ट मोटर मिल जाती है 2.5 kW की, और इधर हाइड्रोलिक पंप ऑयल फिल्टर मिल जाता है, देख सकते हो काफ़ी हैवी ड्यूटी मिल जाता है। और इधर देख सकते हो इसमें सिल्वर कलर की क्लैडिंग प्लेट लगा के दे रखी है आयसर के नाम लोगों की, बहुत ही शानदार लगती है। और साइड में बैटरी बॉक्स का बहुत ही अच्छा है ये भी। और इसके अगर हम बात कर लेते हैं, पहले हम इसकी इंजन की बात कर लेते हैं आगे से, और उसको हम खोल करके देख लेते हैं आगे से। पहले हम इंजन की लोगों की बात करते हैं, तो ये फाइव स्टार ट्रैक्टर है, तो 5 स्टिप लिखा रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इससे आप लोगों की पहचान सकते हैं कि आयसर का टॉप मॉडल है। और यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए भी कंपनी पहले प्रोविजन कर रखी है, आपको अलग से कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात कर लेते हैं इसके लोगों की, तो ई लोगो बड़ा ही शानदार लगता है ट्रैक्टर का, और दोनों ही लाइट इसकी बहुत ही ज़्यादा शानदार वर्क करती है लाइट में। बस आयसर को एक मेरा थोड़ा सुझाव, अगर इसमें आयसर जब ये लगा कर दे रही है, तो इसमें एक इंडिकेटर का प्रोविजन कर देगा LED बल्ब का, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार काम हो जाएगा। और देख सकते हो इसका जो ग्राफिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, 3D टाइप लगते हैं, इस पर आप हाथ फेरोगे तो आपको फील होगा, लेकिन रबड़ाइज है, कोई स्टील या प्लास्टिक वगैरह नहीं, रबड़ के है ये, बहुत ही अच्छे हैं, जल्दी छूटेंगे नहीं। इधर देख सकते हो 551 की बैजिंग मिल जाती है, जो कि इधर आपको 5 star अलग से अलग जो इसके स्टार मिल जाते हैं, तो टॉप मॉडल की बैजिंग भी दिखा रखी है। अगर हम बात कर लेते हैं इसका बॉनट कैसे खोलेगा, तो इसका बॉनट सिंगल पीस आगे की ओर खुलता है। पहले इसका हम इसका एयर क्लीनर को निकाल देते हैं, एयर वेंट को, इसको मैं निकालने के बाद मैं आपको बॉनट खोल के दिखाता हूँ उसको। जैसे हमने बॉनट खोल लिया, बिल्कुल सिंगल पीस बॉनट है, सीधा आगे की ओर खुल जाता है। आयसर को एक छोटा सुझाव हो रहा है, अगर ये बॉनट आगे से ऊपर की ओर खुले तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा और वो कन्वीनियंट होगा। और ये भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा खुलता है ये भी। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं एयर क्लीनर की, तो ये ऑयल बाथ 3-stage ऑयल बाथ मिल जाता है, इसमें ऑयल गिरता है, ड्राई टाइप में ही मिलता है। 3 cylinder ट्रैक्टर है, बोस का इनलाइन 3 pump मिल जाता है, देख सकते हो, और बोस का ही डीजल फिल्टर के साथ, और एक वाटर सेपरेटर, 55 liter का डीजल टैंक इधर मिल जाता है, आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है। और इंजन के RPM की जैसे मैंने बात करी थी, 49 horsepower 2150 liter RPM निकालता है। जिसकी फ़ैन की बात कर लेते हैं, तो ये भी लोहे के हैं, आयरन के, ना कि कोई प्लास्टिक के, तो इससे इंजन हमारा जल्दी ठंडा रहता है और कूलिंग बहुत अच्छी करता है ट्रैक्टर। इधर देख सकते हो कूलेंट भी मिल जाता है, लगभग 1 liter की CC इधर लगी हुई, ठीक है ना। आइए बॉनट बंद कर लेते हैं।
अब बोनट को यहाँ से ही लॉक हो जाते हैं, इस तरह से लॉक भी कर सकते हो आप। और उसके वापस एयर जो वेंट होता है इसका और जाली, इसको हम वापस से लगा सकते हैं यहाँ पर के, ये लग गई। और आगे इसके टॉप मॉडल में एक और अंतर आता है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। इधर इसमें जाली पे साइलेंसर पे एक हीट गार्ड प्लेट भी लगी हुई मिलती है, जिससे आपके कभी इसमें हाथ लग जाए तो उसमें इतनी हीटिंग नहीं होती। जनरली साइलेंसर के मुकाबले कम ही हीट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इस चीज़ का। और उधर देख सकते हो तो पावर स्टीयरिंग का भी लोगो दिखा रखा है लगा कर स्टिकर, क्योंकि पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं लेंथ की ट्रैक्टर की, तो व्हील बेस की 2150 mm है, टोटल ओवरऑल लेंथ जो ट्रैक्टर की 3300 mm है, और उसके ग्राउंड क्लियरेंस 385 mm का है, 390 का। और टॉप स्पीड इसकी जो है 32.35 km/h की टॉप स्पीड है, जो कंपनी फिटेड आती है, फ्रंट को और रिवर्स में जाता है 14 km/h। आप इसकी स्पीड को कम थी बढ़ती अपने हिसाब से करा सकते हो। अगर हम बात कर लेते हैं ऑल इंपी डिस्क ब्रेक मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, पैर की एक्सीलेटर धर मिल जाती है, हाथ की एक्सीलेटर धर मिल जाती है, और ये ऑरेंज कलर के इस पर जो ये ग्रिप मिलती है बहुत ही शानदार लगती है। कॉन्स्टेंट मैक्स स्लाइड मैक्स गियर बॉक्स मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, और उसमें 10 गियर मिलते हैं, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, और PCDC के लीवर धर मिल जाते हैं, देख सकते हो छोटे छोटे से रेड कलर का, और ऊपर है ये येलो कलर का, ठीक है ना। सीट इसकी काफ़ी हद तक इसकी वो है, मतलब कंफर्टेबल है, और इसे एडजस्ट कर सकते हो आप आगे पीछे ऊपर नीचे अपने हिसाब से। टूल बॉक्स इधर मिल जाता है ट्रैक्टर का, और इसमें शायद इसकी चाबी भी होगी, ये चाबी आप देख सकते हो, ठीक है ना। एक बार इसकी मैं आपको आवाज़ भी सुनवा दूँगा ऊपर चल कर, इसे दिखा दूँगा ट्रैक्टर कैसा है। और उसका देख सकते हो हैंड ब्रेक इधर मिल जाता है, ट्रैक्टर डुअल क्लिच सिंगल क्लिच दोनों में ऑप्शनल में मिल जाएगा, ठीक है ना। और ट्रैक्टर की अगर हम कीमत की बात कर लेते हैं वीडियो के साथ ही साथ, तो ट्रैक्टर लगभग 6,50,000 रुपये से लेकर 7,30,000 रुपये तक जाता है। इसमें अलग अलग वेरिएंट है बहुत ज़्यादा, जिसमें डुअल एक्टिंग डबल हेक्सोलरी वाल मिल जाते हैं। कंपनी फिटिंग इस मॉडल में नहीं है, इसमें आप लेना चाहो मिल जाएंगे। तो इसमें सिंगल है, ये देख सकते हो यहाँ पे। अगर हम इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, तो 17 क्विंटल से लेकर 16-18 क्विंटल 50 किलो तक वेट उठा लेता है। दोनों मरगाट में कम से कम वाइब्रेटर दोनों में रोड लगा कर दी गई है, ठीक है ना। और एक बोतल होल्डर मिल जाती है किसान के लिए, इधर रिफ्लेक्टिंग लाइट मिल जाती है, ठीक है ना। और इधर देख सकते हो मोबाइल होल्डर भी है इसमें ऊपर की तरफ। आइए एक बार यहाँ पे जो इसकी सेल्स करते हैं ट्रैक्टर के एजेंसी पर, उनसे मिल लेते हैं और यहाँ का आपको पता बता देता हूँ लोकल। और जब आप यहाँ पर आकर के ट्रैक्टर की इन्फॉर्मेशन लोगे या टेस्ट ड्राइव लोगे या इसके कीमत की जानना चाहोगे, तो आपको बेस्ट बेस्ट कीमत दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एक बार मिल लेते हैं। तो इस एजेंसी पर जो हमारे सेल्समैन है, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, और वे यहाँ का पता आपको और इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे आपको, क्या आपको डील देंगे कभी आप आओगे तो। भैया जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बारे में आप बता सकते हो कि आपकी जो एजेंसी पड़ती है कहाँ पड़ती है, इसका लोकल पता क्या होगा बंदे को आने के लिए? नमस्कार सर, हापुड़ रोड बिजली बम्बा और SR पेट्रोल पंप के सामने। और एजेंसी का नाम क्या है इसका? साईं मोटर्स। हाय सर, साईं मोटर सर। तो जो आपके यहाँ पर ट्रैक्टर 551 लेके गए हैं कस्टमर, उनका ज़रा इंट्रोडक्शन कराना, इसके बारे में बताएंगे ट्रैक्टर कैसा है एक बार हमारे दर्शकों। तो सर जी आपका नमस्कार हमारे चैनल पर, आप अपना नाम बताइए पहले। मनोज त्यागी जी। तो आपको ट्रैक्टर कब लिया था और आपको कैसा लगा ट्रैक्टर सर? एक साल बढ़िया है, बढ़िया निकाल रहा। आपने किस किस चीज़ पे चला लिया होगा ट्रैक्टर लगभग? अच्छा, और रोटर क्या फोटा चला रहे हो इस पर लगभग? क्या एवरेज आ रहा लमसम में घंटे का? निकाल देता है। और डीजल कितना ले जाता है? तो कोई ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, 50 हॉर्स पावर के हिसाब से कोई भी ज़्यादा नहीं है। तो आपका ये तो धन्यवाद। और ट्रैक्टर आपको लेने के लिए कंसिडर करूँगी, और कोई कस्टमर अगर लेना चाहता है तो उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, और कीमत के हिसाब से अपने खर्चे के हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट ट्रैक्टर है, ठीक है। थैंक यू सर। और अपना नाम और अपना गांव का नाम और बता दीजिए प्लीज़। मनोज त्यागी। ग्राम भदौली गांव से है मनोज त्यागी जी, और खरखोदे के पास पड़ता है। तो उन्होंने ट्रैक्टर एक साल चला लिया, और उससे पहले इसके बाद इन्होंने लेने के बाद 5 ट्रैक्टर सेल भी कराए अपने जान पहचान वालों को, उनको भी अच्छे रिपोर्ट मिली है वहाँ से, ठीक। अगर हम बात कर लेते हैं इसके फुट स्टैपर की, तो काफ़ी हैवी ड्यूटी फुट स्टैपर मिल जाता है, और इसमें आप देख सकते हो काफ़ी हद तक प्लेटफॉर्म फ्लैट मिल जाता है 85% लगभग,
तो एक बार इसे हम स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुन लेते हैं, ट्रैक्टर की कैसी है, ठीक है ना। ऊपर चल लेते हैं पहले। तो जैसे हम ऊपर आ चुके हैं और इसकी चाबी देख सकते हो, ये है मेरे हाथ में, यही इसके डीजल टैंक में लगेगी और यही इसकी स्टार्टिंग में लगती है। ये एक बार इसके मैं आपको मीटर कंसोल दिखाता हूँ, देख सकते हो फुली डिजिटल मीटर मिल जाता है एनालॉग के साथ, और काफ़ी छोटा सा पावर स्टीयरिंग मिल जाता है जो कि ऐसा लगता है जेसीबी बुलडोजर का लट्टू के साथ, ठीक है। अभी लट्टू काफ़ी जाम है, जब ट्रैक्टर चल रहा था तो लूज़ पड़ जाता है। एक बार इसकी आवाज़ सुननी तो बनती है। डीजल खपत की बात किसान ने बताई दी थी आपको कैसी है और आवाज़ कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। थैंक यू, धन्यवाद।